हेलो भाइयों, क्या हाल है। मैं और मेरा मोटू आए हैं हम मंदिर पे। फिलहाल भाई हर मंडे मेरा उपवास रहता है तो हम आते हैं हर मंडे भोले को नवाने के लिए, तो मोटे को भी ले आता हूँ मैं। मोटे हाय बोलो। हाय कर, राधे राधे कर, राधे राधे भाई। मैंने बता कर, हाँ राधे राधे करियो, कर हाँ कर कर, मतलब जैसे आपको बताओ कि सारे सभी जिनके बच्चे होते हैं वो सब ऐसे रिश्तेदारों के आगे कोई आ जाता है तो सबकी आदत होती है, अरे ये करके दिखा, राधे राधे करके दिखा, नमस्ते करके दिखा, और सामने वाले फिर हम ऐसे समझते हैं वो कितना क्रिंजनेस हो रही है, अरे यार क्या अच्छी ठीक है कर दिया इसने। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को वही लग रहा होगा, पर भाई अपने जो होते हैं उनका थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। करिए बाबू करियो, करके दिखा दे इन्हें, करके दिखा दे इन्हें, सब करके दिखा दे, ना करे कतई ना करे गो, ना माने गो। हाँ अब कर। राधे राधे भाई। देखो झाड़े आ गए हैं कि नहीं अभी, तो जुराब गर्म बुनियान बुनियान कहाँ गई इसकी, हमारा छोरा मलू के कुछ भी खाओ। तो भाई ऐसा मंदिर हमारे गांव का, ये मेरी गाड़ी, इसमें आए थे हम अपने एंडेवर में, चलो पूजा करके चलते हैं। अभी क्यू में खड़े हुए हैं, अभी वेटिंग लिस्ट चल रही है भाई, अभी कोई और पूजा कर रहा है। चलो भाई पूजा पाठ हो गई है। यार ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करते हो, जो पीस रहता है, PIEC वाला नहीं, PEAC वाला, वो मिलता है। आप जगह खुद देखो यार, क्या मज़ा है यार, मज़े वाली फील है एकदम, है ना। चलो चलता हूँ यार। तो भैया भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, फाइनली हमारा ये काम भी स्टार्ट हो गया है। इसका JCB चल रही है, चल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ कुछ लिटिल मनी लेके आया हूँ मैं, कैश दिखा दूँ क्या भाइयों को, थोड़ा देना पड़ता है यार सबको। इसमें यार घास फूस से उगने लग गई थी, हमने सोचा इसको उगाने से अच्छा इसको करते हैं इसका कार्यक्रम, तो आज स्टार्ट हो गया यार। तो ये खुदरी है भाई हमारी नीम, इस बार हम ओंडी खुदवा रहे हैं पहले से ही। तो भाई मारा को बालक अभी है। ये मिस्त्री है, ये तुम ही मिस्त्री ठेकेदार। अच्छा इस बार भाई हमने महेंद्र और उनको नहीं दिया, इस बार कहाँ के हो तुम, झांसी के ही हो। इस बार हमने नए बंदे को ठेका दिया है, पिछले वालों ने तो हमारी दीवार गिरा दी थी। इस बार भाई तुम कितने ओंडे पे करोगे काम जी, कितने नीचे से करोगे नीम? दो फुट से हाँ। दो फुट में फिर गिर जाएगी, कॉलम तो दे रहे, कॉलम तो पहले भी है। 14 फुट कितने इंची की दीवार लोगे नीचे से? 14 की। चलो देखते हैं भाई कैसा क्या सिस्टम रहता है। 18 इंची ज़्यादा अच्छी रहती, बट क्या बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते भाई। तो ये ऐसे पूरी सीधी खुदरी है, ठेके में ही दे दिया भाई एक बार में ना। अब ये भी लेबर पे क्या खुदवाते, लेबर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, JCB बहुत जल्दी जल्दी खोद देती है और बढ़िया परफेक्शन के साथ चौड़ा चौड़ा। से गाड़ी हटाते हैं, यहाँ पे आगे की वो चलेगी क्या बोलते हैं खुदाई। मैं तो भीतर बैठ गया था जाके, यार गर्मी है, अभी नवंबर आ गई लेकिन अभी सर्दी नहीं आ रही है, घूम के आ रही है। इतनी बूढ़ी JCB है भाई ये, कि ये डायरेक्ट उस पर चढ़नी भाई, नहीं तो JCB तो ऐसी रहे ऐसे कहीं पर भी चढ़ जावा। माय गॉड मेरे पैरों के नीचे क्या आ गया, देखो ना कितने मलूक छपे रहते हैं इनके ऊपर। ये देखो घूम के आई है, आ जा यार। चलो बहुत बूढ़ी मशीन है भाई ये, मतलब बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो ओवर द टाइम इनकी जान भी ख़त्म हो जाती है। मंदे टाइम में हम पे भी थी JCB, हम भी रखते थे, तो टाइम तो कुछ रेट ही रहता था, आजकल तो 9,000-1,000 रुपये घंटा है ऐसे कुछ है। और ये ठेकेदार इतना कलाकार है, इतनी सी बाउंड्री खुदवाने के 5,000 रुपये में ठेके दिया है इसने, मतलब हमने तो इसको ठेके दे रखा है कुछ 2,700 रुपये फुट में, जन कितने रुपये फुट में जो भी रहता है, मतलब वो पापा को पता है, मुझे इतना पता नहीं रहता। तो इसने 5,000 रुपये में उस नीम खोदने का ठेका दिया है, पर घंटे भी, एक घंटे भी नहीं हिसाब बनेगा, ऐसे ऐसे कलाकार कई बार वो रहते हैं ठेकेदार, बताओ यार। ये नीम खुदरी है भाई, अब हम एक बहुत मोटी कंफ्यूजन में है अभी यार, यहाँ पे क्या हम कमर्शलाइजेशन करें यार, यहाँ पे दुकान वकान आगे फ्रंट में बना के, जैसे ये दुकान यहाँ बहुत मस्त है, मतलब ये ना लोकेशन बहुत तगड़ी है प्राइम, पर ठेका यहीं है बिल्कुल,
ये देखो ठेका तो मतलब तगड़ी चल सकती है कोई भी दुकान वकान, ये एरिया बहुत है हम पे तो आराम से कई दुकान निकल सकती है। अब मेरा मन है कि यार अपने को ऐसे अलग रखूं, लेकिन पापा आ रहे और सब कह रहे हैं कि नाना दुकान बनवा दे थोड़ा तगड़ी, मतलब किराए पर उठ जाएगी या वट एवर खोल सकते हो कुछ भी। क्या करना चाहिए, लुक या फिर कमर्शलाइजेशन, पैसा बताओ भाई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ भाई, बहुत परेशान हो गया हूँ सोचते सोचते। फ्यूचर का सवाल है, पूरे फ्यूचर का भाई। अभी ये मिस्त्री यहाँ बैठा था, उठ के गया है, इतने में ही मतलब 5-10 मिनट में इसने देखो क्या कवाड़ा, पूरा लाल लाल कैमरे में तो आपको इतना गंदा नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, कितनी शोर मचाता पावर ट्रैक भाई, इतना गंदा कर जाते हैं चुर्रियों में। पता नहीं जितनी भी आप लेबर क्लास देखोगे, जिसको देख लो चुर्रा चुर्रा पूरी दिन कहा है चुर्री पुर्री में यार। महंगे नशे करो यार, महंगे शौक करो यार पूरा। इसका देखो वही मुँह चलता रहता है, इसका चल रहा है क्या? नहीं पता नहीं यार, चल रहा है नहीं चल रहा है, बता दूंगा जब तक ये बनेगा, तब तक यूज़ तो हो जाएंगे, हम इनको पहचान लेंगे तब बता दिया करेंगे। आज तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देखी है। चलो भाई, मैं तो भीतर जाके बैठ गया था, गर्मी बहुत पड़ रही है यार, बहुत धूप है, तो इतना खोद के चला भी गया है अब से पहले इतना। और अरे बालक इतना ओंडा भाई, पर वही है ना, हमने भर्त करवा देते इसलिए ज़्यादा लग रहा है हमको। अरे वाकई में बहुत ज़्यादा ओंडा हो गया, इतने नीचे से लेके आएंगे क्या? और ईंट भी इतनी महंगी हो रही है अब तो, ये जब बना था 6300 थी, अब 8300 हो गई, 8300 की कितनी 1000 ईंट ऐसे ही है ना शायद, हाँ मतलब 8.3 की 8 रुपये 30 पैसे की ऐसे बनी है ना इसका प्राइस, हाँ इतने की एक ईंट। तो भाई ये तो बहुत ईंट खा जाएगा। ये पानी कहाँ से आ गया, मैं पाइपलाइन टूट गई, ये तो मोटा कलीश डूब गया। आ किसकी है यू? हाँ भाई ये देखो इसका काम हो गया, अब इनको दोबारा जोड़नी पड़ेगी। तो अब तो हमें नी जैसे नीचे दीवार लेके जाएंगे तो ये कैसे नीचे ले जाएंगे आए यार पाइपलाइन। सही है भाई, अपने आप वो हो जाएगा, अब जब तक ये गीली ख़त्म ना हो तब तक चढ़ाई ना चले। क्या करें यार, जीवन के दुख ख़त्म नहीं होते। वो क्या रहता, खेत से खेत नीचे अंडरग्राउंड में कितनी पाइपलाइन बिछी रहती है ना, तो फूट गई किसी की, टूट गई, अब जुड़वानी पड़ेगी हमको ही, क्या करें। ऐसे हमने भी अपनी गार्ड रखी है, अब कोई हमारी तोड़ देगा ना तो फिर वही करवाते हैं, वही जुड़वाते हैं जो तोड़ते हैं, क्योंकि गलती एट द एंड उनकी है। ऐसे यहाँ बच्चे वो खेलते थे वॉलीबॉल वगैरह, सब भी खेल लेंगे, पर थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस हुआ करेगा ये मिट्टी वगैरह की वजह से, आई थिंक सॉरी लेबर की। बच्चे बच्चे पहले आ गए हैं एंजॉय करने अपने डैड के साथ, तराई सी हो लेगी इसकी। ये कनेक्ट हो गया, देखो नीचे जाता हूँ इसमें। ए बात, नीम में अपनी में डूब गया हूँ भाई मैं, काय करो करो है चलंदे। और भाई ये पता कितने मंदे टाइम की पाइपलाइन गड़ी हो रहा है, ये अभी एक्टिव नहीं है, कोई 50 साल पुरानी पाइपलाइन है ये। यहाँ हमारे फार्म बगल में कुआ सा है, तो जो बहुत पुराने टाइम पे किसी ने गार्ड रखी थी अपने लिए, अभी तो खंडित है मतलब, तो यहाँ पे इसको रोक देंगे। हमारे फार्म के नीचे अपनी गली बताई, अभी पापा बता रहे थे मेरे को, अब इसको यहाँ पे कपलर लगा के सीधा बंद कर देंगे, सही है, टेंशन फ्री। कल के कभी लीक कर जाती है कुछ तो वो पूरी फूट जा रहा है, अगर ज़मीन में पानी निकला भाई पूरा निकल जाता है। सही है भाई, गाँव में ये लिटिल लिटिल सी चीज़ें होती रहती हैं भाई दोस्त। Nice. मस्त है भाई, मस्त सिस्टम है। कब तक तुमने चलाई चालू करेगा? अभी तो समय लगेगा, एक दो दिन का समय लगेगा, एक दो दिन बाद करेगा। तो भाई दोस्त अभी एक दो दिन बाद हमारी यहाँ पे चिनाई को चालू करेगा, चिनाई मतलब काम। देखना भाई जेसीबी ने इतना ओंडा ओंडा थोड़ी सी देर में एक दो घंटे में खोद के अब जा रही है, और यहीं लेबर होती सोच के देखो कितने दिन तो उसको लेबर को खोदने में लग जाते हैं इसको। इसलिए जेसीबी वेसीबी आजकल इक्विपमेंट्स बड़े बढ़िया चले हैं, ठेकेदार भी स्मार्ट हो चुके हैं, कौन पचे इसमें यार, आदमी मेहनत इतनी करे दोपहरी में, क्या फ़ायदा जेसीबी से करवाओ, पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं बट